राजस्थान में आगामी दो महीनों में विधानसभा चुनाव है। सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। बीजेपी के बाद अब आरएलपी पार्टी ने भी प्रदेश में सत्ता संकल्प यात्रा की शुरुआत की। गुरुवार को चुरू के सालासर धाम से यात्रा का आगाज हुआ। सांसद हनुमान बेनीवाल ने सालासर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना कर विधिवत रूप से यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद एक बड़ी सभा हुई। इस दौरान बेनीवाल ने कहा कि हमारी सत्ता परिवर्तन की यात्रा है, हमारे बिना राजस्थान में सरकार नहीं बनेगी। बेनीवाल सालासर मंदिर से सभा स्थल तक में सवार होकर आए। मंच पर पहुंचकर बेनीवाल ने बजरंगबली का गदा घुमाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बेनीवाल जब पार्टी विधायकों के साथ रथ पर सवार सभास्थल पर पहुंचे तो सभास्थल से पहले जेसीबी से समर्थकों ने रथ पर फूल बरसाए। वही कार्यकर्ताओं ने कंधों पर सांसद को बैठाया और मंच तक लेकर गए। बेनीवाल ने अपने संबोधन की शुरुआत शहीद आजम भगत सिंह को याद करते हुए की। बेनीवाल ने कहा कि आज भगत सिंह की जयंती और अनंत चतुर्दशी का शुभ अवसर है और सालासर बालाजी के पवित्र धाम से आरएलपी की सत्ता संकल्प यात्रा का आगाज किया गया है। कांग्रेस का जो पूछा था ना, जिस तरह का भ्रष्टाचार जो खुलता है, उससे लोग कांग्रेस बीजेपी से त्रस्त है। ये नया विकल्प राजस्थान में चाहते हैं और आगे पूरे नया विकल्प राजस्थान सर जो तो निर्दा के दौर तो है ही नहीं यहाँ की है। जबरदस्ती क्यों नाम दे रहे बार बार, वो तो दिल्ली ससुराल भेजते ना, हरियाणा दिल्ली का ससुराल। सांसद बेनीवाल ने कहा कि किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान सहित 80% स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने सहित दर्जनों जनहित के मुद्दे को लेकर आरएलपी का गठन हुआ और सड़क से लेकर सदन तक हम जनहित के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बेनीवाल ने कहा कि हाल ही में पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा द्वारा भाजपा ज्वाइन करने के मामले को लेकर विपक्ष कटाक्ष करते हुए बेनीवाल ने अपने संबोधन में हाल ही में पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा द्वारा भाजपा ज्वाइन करने के मामले को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई के डर से उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। बेनीवाल ने भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा और कहा, आज रोजगार के अभाव में युवा हथियार उठा रहे हैं, नशा समाज को खोखला कर रहा है, इसलिए हमें सोचने की जरूरत है कि इन सब बातों की चिंता सिर्फ आरएलपी कर रही है। बेनीवाल ने कहा कि वर्ष 2008 से 2018 तक लोकायुक्त ने अपने विभिन्न रिपोर्ट में सरकार के मुखिया के खिलाफ अलग अलग मामलों में एक दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी, क्योंकि वसुंधरा और गहलोत इस समय अवधि में प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में पुलिस उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती और दोनों ने एक दूसरे को बचाया, इसलिए राजस्थान में सशक्त लोकायुक्त की जरूरत है जिसके पास खुद की शक्ति हो।